गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू समाजन सीआरटी। आज हम करेंगे पास कॉन्टिन्यूस। देखो, ये दो वर्ड्स दर्शा रहे हैं कि पास कॉन्टिन्यूस का मतलब पास में कोई ऐसी चीज़, ऐसा एक्शन, ओके, जो कभी कंटिन्यूस था, जो चल रहा था, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने दोस्त को कह सकते हो कि मैं तो अच्छा खेल रहा था लेकिन तभी बारिश आ गई। मैं अच्छा खेल रहा था, तो जो रहा था, जो आप कोई काम कर रहे थे, उसके लिए आप पास कंटिन्यूस टेंस यूज करते हो। तो आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे? मैं अच्छा खेल रहा था, I was playing well. मैं अच्छा खेल रहा था, obviously I, तो past continuous में हम करते हैं was plus verb की first form plus ing। आप ये structure याद रखना, आप किसी भी सेंटेंस को जो जहाँ पे खेल रहा था या फिर कर रहा था, जा रहा था, खा रहा था, जहाँ पे रहा था या रही थी आ जाएगी, तो आप आसानी से उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस। पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है एक्शंस के बारे में बात करने के लिए या फिर इवेंट्स के बारे में That were in progress, जो progress में थे at some time, कभी past में। मतलब past continuous use होता है actions के बारे में बात करने के लिए जो कभी progress में थे, जो कभी चल रहे थे, continuous थे कुछ समय तक के लिए past में। इसका मतलब वो actions जो चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, वो काम ख़त्म हो चुका है। Example है हमारे पास, What were you doing in evening? तुम शाम को या फिर तुम शाम में क्या कर रहे थे? Were आ गया, do आ गया और उसके साथ ing आ गया। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे रहे थे पीछे तो आना ही है। Were plus verb की first form plus ing। तुम इवनिंग में क्या कर रहे थे? तो आपका आंसर होगा आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। आई वॉज आ गया, फिर प्ले के साथ आई एन जी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया, तो इसका बनेगा मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ओके, अब देखिए यहां पे वर लगाया हमने, यहां पे वॉज लगाया है। वर इसीलिए लगाया है क्योंकि हम यू के साथ वर यूज करते हैं ओके, और आई के साथ हम करते हैं वॉज यूज। यू प्लूरल हो सकता है, प्लूरल है इसीलिए हम वर यूज करते हैं, आई यहां पे सिंगुलर है इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं, ओके, सिंगुलर। पास्ट कंटिन्यूस शोज द एक्शन वेंट ऑन फॉर सम टाइम बट इज नाउ फिनिश्ड। पास्ट कंटिन्यूस ये दर्शाता है कि एक्शन जो काम हुआ था वो वेंट ऑन, मतलब चला कुछ समय तक के लिए, उसके बाद खत्म हो गया। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई वॉज ईटिंग लंच With a friend, मैं लंच कर रहा था। Obviously was देखते हो आप और first form plus ing देखते हो, इसका मतलब कर रहा था, मतलब रहा था पीछे है ही। मैं अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था, ठीक है। I के साथ अगेन हम was यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लंच कर रहे थे लेकिन अब वो एक्शन खत्म हो चुका है, अब आप लंच नहीं कर रहे, आप कहीं और हैं, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं लंच कर रहा था, मतलब वो एक्शन
खत्म हो चुका है, इज नाउ फिनिश्ड, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, व्हेन आई लॉस्ट माय कैमरा, जब मैंने अपना कैमरा खोया, वी वर स्विमिंग इन द सी, हम समंदर में तैर रहे थे, हम समंदर में तैर रहे थे, वी वर, ध्यान रखना बच्चों, वी के साथ वी प्लूरल है, एक से ज्यादा है, इसीलिए वी आर यूजिंग वर, ओके। वी वर स्विमिंग इन द सी, हम समंदर में तैर रहे थे, स्विम लग गया, ओके, उसके बाद आई एन जी लग गया, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वॉज कहाँ पे यूज होता है, वर कहाँ पे यूज होता है। जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ओके, मैन हो गया, वुमेन हो गया, या फिर कोई सिंगल पर्सन हो गया, सिंगल पर्सन, तो वहाँ पे आप वॉज यूज़ करोगे। वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आप वॉज यूज़ करोगे। अब ध्यान देना, अगर वी हो या फिर दे हो, ओके, या फिर पीपल हो, या फिर एम ई एन मैन हो, डब्ल्यू एम ई एन वुमेन हो, या फिर प्लूरल कोई चीज़ हो, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो मैन है ये सिंगुलर है, यानी एक आदमी है, यहाँ पे जो वुमेन है वो एक औरत है, इसका मतलब यहाँ पे ए लगा हुआ है, ध्यान रखना, जहाँ पे ए लगा है वो सिंगल। यहाँ पे जो एम ई एन है वो एक से ज़्यादा आदमी है, जहाँ पे आपको ई दिखे वहाँ पे इसका मतलब प्लूरल, वहाँ पे डब्ल्यू ई एन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, दो मतलब एक से ज़्यादा औरत है, ठीक है। अगर आपको डब्ल्यू ए एम ए एन दिखे वहाँ सिर्फ एक औरत है, या एम ए एन दिखे एक आदमी है। तो एग्जाम्पल है, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, जो सन था वो शाइन कर रहा था और जो बर्ड्स थे वो चहचहाट कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे, ओके। तो यहाँ पे सन के साथ हमने वॉज यूज़ किया है क्योंकि ये सिंगुलर है, अकेला है, सिंगुलर है, अकेला, ओके। और यहाँ पे बर्ड्स के साथ हमने वर यूज़ किया है क्योंकि बर्ड्स एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे वर लाफिंग एंड प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे हंस रहे थे और खेल रहे थे गली में, ओके, इन द स्ट्रीट। तो वर इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं वो एक से ज़्यादा हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमने आई एन जी लगा दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद आई एन जी लगा दिया है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी वॉज नॉट फाइटिंग विद एनी वन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो नॉट है, जो नेगेटिव है, वो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब वॉज है यहाँ पे, मेन वर्ब फाइट है यहाँ पे आईएनजी के साथ, ओके। शी वॉज नॉट फाइटिंग विद एनीवन, वो किसी से नहीं लड़ रही थी। यहाँ पे वॉज इसी लगा क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, ओके। दे वर नॉट प्लेइंग चेस, वो चेस नहीं खेल रहे थे, ओके। यहाँ पे हमने वर इसीलिए लगाया है क्योंकि जो यहाँ पे दे है, सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, ओके। दे वर नॉट प्लेइंग चेस, वो चेस नहीं खेल रहे थे। थर्ड है, आई वॉज नॉट लाइकिंग द मूवी। आप मूवी देख रहे हो कहीं और बाद में आपको किसी अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहे थे कि जब आप मूवी देख रहे थे तो आपको वो मूवी पसंद नहीं आ रही थी, मतलब मैं मूवी को पसंद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट लाइकिंग द मूवी। आई के साथ ऑब्वियसली
वॉज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पास कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव, ओके। जो वर और वॉज हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे क्वेश्चन पूछने के दौरान, ऑलराइट। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले आ जाएगी क्वेश्चन पूछने के दौरान। वर दे टॉकिंग टू यू, क्या वो तुमसे बात कर रहे थे? हमने वर इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दे है, प्लूरल है। सेकेंड है वॉज ही वॉशिंग हिज क्लोथ्स, क्या वो अपने कपड़े धो रहा था? ओके। देन वॉज शी लाफिंग एट हिम, क्या वो उसकी तरफ हंस रही थी? देखो स्टूडेंट्स, एट हम कब यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं हम किसी की ओर देखते हैं, ओके, या किसी से किसी की ओर घूरते हैं, किसी की ओर कुछ इशारा करते हैं, मतलब किसी और के लिए हम एट यूज़ करते हैं। जैसे मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, आई वॉज स्माइलिंग एट हर, ओके। या फिर एक एग्जाम्पल और देता हूँ, वो मेरी तरफ घूर रही थी, शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, घूरना होता है स्टेयर, ओके, STARE, ये होता है घूरना। नेक्स्ट है वॉज आई लुकिंग गुड, आप किसी पार्टी से आते हो तो अपने फ्रेंड्स से पूछते हो कि जब आप पार्टी में थे तो अच्छे लग रहे थे, क्या मैं जब मैं पार्टी में था क्या मैं अच्छा लग रहा था? वॉज आई लुकिंग गुड, आई के साथ ऑब्वियसली वॉज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर द डे, आई होप व्हाटएवर आई टॉट यू यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। आई विल कम अप विद समथिंग गुड अगेन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।